रिस्पेक्ट करती थी। पहले दुनिया और दुनिया का कल्चर और दुनिया का रहन सहन और दुनिया की बातें मसीह लोगों को अट्रैक्ट करती थी। और अट्रैक्ट कैसा करती थी, हम लोग बाहरी दुनिया को देखकर कहते थे उनका रहन सहन, उनका चाल ढाल, उनका कार्य सब कुछ बेहतर है। पर जो नया सीजन शुरू हो रहा है, जो नया लेवल शुरू हो रहा है, उसमें प्रभु का आत्मा अपने अभिषिक्तों से बात कर कर कहता है अब दुनिया चर्च की ओर अटैक होकर, चर्च की ओर अट्रैक्ट होकर कहेगी सिर्फ जीवित खुदा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। और ये अट्रैक्शन माना ऐसा है, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ये अट्रैक्शन ऐसा है मानो जैसा जल्दी झाड़ी ने मूसा को अट्रैक्ट किया था, वैसे ही पवित्र आत्मा की आग जब अपने लोगों में लग रही है वो दुनिया को, अन्य जातियों को, राष्ट्र को अट्रैक्ट करने वाली है। बोलो हालेलुया। सबसे पहली चीज है हमें परमेश्वर की आत्मा से भरना है। परमेश्वर की आत्मा में जब व्यक्ति भर जाता है तो फिर व्यक्ति नहीं परमेश्वर का आत्मा बोलना शुरू करता है। आमीन, ओ हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है अन्य भाषा वहां बोलो जहां ट्रांसलेशन है। बिल्कुल, यस प्रभु, धन्यवाद तेरा, मदद कर। प्रभु कहता है अन्य भाषा जहां पर है, जहां ट्रांसलेशन है, वहीं पर उसका अनुवाद कर। और ऐसा होता है अगर कपिल शर्मा की जगह कोई अमेरिका से पास्टर यहां पर होता तो सबकी सहूलियत के लिए यहां पर एक ट्रांसलेटर रखा होता। तो अन्य भाषा हिंदी के बीच में इंग्लिश अन्य भाषा है, इसलिए उसका ट्रांसलेशन होना आसान है। समझिएगा बहुत गंभीरता से, गुजराती एक अन्य भाषा है हम लोगों के लिए, अगर समझना है तो ट्रांसलेटर जरूरी है। मलयालम हमारे लिए अन्य भाषा है, उसे समझना है तो ट्रांसलेटर हमारे लिए जरूरी है। वे भाषाएं जो हमें समझने में तकलीफ देख है पर इस धरती पर बोली जाती है वे सब अन्य भाषा है। और प्रभु कहता है अन्य भाषा जहां बोलो वहां पर ट्रांसलेटर होना जरूरी है, नहीं तो तुम अर्थ का अनर्थ निकाल दोगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय घर जाकर पढ़ लेना, सारी बातें समझ में आएगी। पर मेरे प्रियो एक और भाषा है जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। मालूम है वो भाषा क्या है? वो भाषा है पवित्र आत्मा के आहें भरने से हमारे अंदर से निकले गए शब्द जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है। और वो भाषा है जो हमें परमेश्वर के नजदीक में लेकर जाती है, वो भाषा है जो हमें परमेश्वर से कनेक्ट करती है। फिर उसका ट्रांसलेशन नहीं है, फिर उसका अनुवाद नहीं है। और अगर कोई उस भाषा को पहचानता है तो सिर्फ बोलने वाला पहचानता है। आमीन, और बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा आहें भर भर कर बोलता है। सच बात मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबिल आज के दिन में जो तुमसे कहना चाहती है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो उससे पहले बाइबिल यूं कहना चाहती है, परमेश्वर चाहता है जैसे यीशु ने पूरी दुनिया को अपनी ओर अट्रैक्ट किया क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था, वैसे तुम भी उसकी आग में चल जाओ ताकि दुनिया अब तुम्हारे अट्रैक्शन के कारण प्रभु के नजदीक में आना शुरू हो जाए। आमीन, हालेलुया। बजाओ तो जोर से, पड़ोसी को मत देखो। कुछ विश्वासी, कुछ चर्च में आने वाले लोग, ऐसे लोग जो मसीह में हैं, प्रभु में हैं, कलाम सीखते हैं, पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, बिल्कुल कगार पर पहुंचकर विक्ट्री की कगार, विजय की कगार, और इतने नजदीक पहुंचकर और कहते हैं कि विजय की खुशबू मिल रही है, विक्ट्री देख पा रहे हैं, प्रमोशन पर साइन होने वाला है, लोन पर साइन होने वाला है, बस बेटी का कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, बस रिश्ता तय हो गया है, पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी कगार पर आने के बाद मसीह लोगों का विश्वास डामाडोल होना शुरू हो जाता है। वे लोग जो प्रभु से प्रेम रखते थे, वे लोग जो प्रभु के नजदीक थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पड़ोसी को बोलो मेरी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है। पड़ोसी से बोलो
वचन मुझसे बात कर रहा है, वचन मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी करीब आकर, विक्ट्री के इतने करीब आकर, इतने नजदीक आकर खुशबू सूंघने को मिल रही है, उसकी विजय की फतेह पता का देखने को मिल रहा है। बस विजय होने वाली है, और अचानक जब विजय नहीं मिलती है, मालूम पड़ रहा है प्रमोशन नहीं हुआ है, मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारे चेक पर साइन नहीं हुआ, मालूम पड़ा कि प्रमोशन नहीं हुआ, मालूम पड़ा कि शादी होने वाली थी पर नहीं हो पा रही है, नौकरी लगने वाली थी पर नहीं लग पाई है। ऐसे समय विश्वासी पूछना शुरू करता है, प्रभु तू कहाँ है।